मंगल लैत्री, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्नेक चार्मर्स स्टोरी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कारपेंटर होता है, प्लम्बर होता है, मैकेनिक होता है। इसी तरीके से जो लोग सांपों को पकड़ते हैं, जिन्हें हम सपेरा कहते हैं, उनको हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे और सांपों की प्रजातियों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है स्नेक चार्मर्स स्टोरी, यानी सपेरे की कहानी। तो सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट। द नंबर वन पॉइंट इज मैनी काइंड ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया। इट मीन्स भारत में कई प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, बहुत सारे, कई प्रजाति। इनमें से सिर्फ चार ही सांप ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। इट मीन्स ओनली फोर टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। दे आर, उनके नाम हैं कोबरा, कॉमन कैरेट, दुबोई और अफान। ये चार तरीके के सांप भारत में सिर्फ जहरीले हैं और जितनी भी किस्म के सांप हैं उनमें से कोई भी सांप जहरीला नहीं है। आपको शायद ये पता होगा कि सांप तब तक हमें नहीं काटता है जब तक हम उसे तंग नहीं करते। पॉइंट नंबर थ्री, द स्नेक हैज टू हॉलो टीथ व्हिच इज नोन एज फैंग्स। When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. जो सांप के दांत होते हैं ये इनमें छेद होते हैं और उसके गले में एक पाउच होता है जिसके अंदर पॉइजन है। तो जब वो किसी पर्सन को काटता है तो उसके दांत से वो पॉइजन उस आदमी के शरीर में चला जाता है और इस तरीके से उस आदमी को अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो उसकी डेथ हो सकती है। पॉइंट नंबर फोर इज सपेराज आर कॉल्ड स्नेक चार्मर्स। जो सपेरे होते हैं इन्हीं को ही हम सांप पकड़ने वाला भी कहते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि कई लोग अपने पास एक कपड़े का बैग लेके उसमें एक बांस की टोकरी में बीन हाथ में लेकर के आपके गली मोहल्लों में आते हैं और सांप का खेल दिखाते हैं। तो इन्हीं को हम सपेराज कहते हैं और यही लोग सिर्फ सांपों को पकड़ते हैं। So in this chapter we